मुंडा पांडे विकासखंड की ग्राम पंचायत नरखेड़ा में बीते दिनों हुई बरसात से विधवा महिला के कच्चे मकान की छत मंगलवार की रात लगभग 12 बजे भरभराकर गिर गई थी। मकान के अंदर सो रहे परिवार के 5 सदस्य मलबे के अंदर दब गए थे। इस खबर को अभी तक न्यूज इंडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने ब्लॉक अधिकारियों के संग पीड़ित महिला के गाँव जाकर उसके टूटे हुए मकान का निरीक्षण करते हुए उसे भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में जल्द से जल्द पीड़ित को नया भवन निर्माण करा दिया जाएगा। इस दौरान पीड़ित महिला तरमीम ने क्षेत्र के अभी तक न्यूज के संवाददाता और क्षेत्रीय पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझ जैसी गरीब महिला की आवाज को इन लोगों ने प्रमुखता से उठाकर मेरी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाई, इसके लिए मैं इन सभी पत्रकारों की जिंदगी पर आभारी रहूंगी। तो वहीं गरीब महिला के बेटे का कहना कि ब्लॉक अधिकारियों द्वारा मेरे घर आकर मेरे पूरे परिवार का हाल चाल जाना कि तुम्हारी हर संभव मदद की जाएगी, इस बात से मेरा पूरा परिवार खुश है। कहाँ के निवासी हो? नरखेड़ा। आज क्या मामला, कौन कौन आया आपके घर पे? अधिकारी आई ब्लॉक से और तिरमुख साहब आई, तो हम बहुत परेशान थे। आगे उन्होंने खुशी दी हमें कि आपका मकान जल्दी बना दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गाँव के कौन कौन लोग थे? गाँव के हमारे प्रधान जी थे और बीडीसी मेंबर थे। अच्छा, कितने लोग दबे थे मकान में आपके? हम 6 लोग दबे थे। अच्छा, दो के खुलिए छोड़ और बाकी घूमे। हम मुंडा पांडे ब्लॉक के नरखेड़ा गांव में आए हुए हैं। मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि एक बारिश में मकान गिर गया है, तो उसी के संबंध में हम आए थे। 5 लोग उसमें घायल हो गए थे मलबे में दब के। तो तहसील में बात हुई है, लेखपाल को बोल दिया है, जो भी इनका नुकसान हुआ है उसका एस्टिमेट के लिए बोल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनका नुकसान है उसे क्षतिपूर्ति हो, और तहसील स्तर से इनको आपदा के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत इनको जो भी लाभ मिलेगा वो मिलेगा। और इस गांव में चूंकि पिछले 5 वर्ष में पता नहीं क्या कुछ काम हुए नहीं हुए, आवास योजनाओं का एक भी यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं है, तो बोला है प्रधान जी भी साथ में है, सचिव को भी अवगत कराया है कि जल्द से जल्द जो भी पात्र व्यक्तियों की सूची बनाते हुए और उनका नामांकन, उनका एनरोलमेंट आवास योजना के लिए कराया जाए, जल्द से जल्द वो भी साइट खुलने पे वो भी कराया जाए। सर, आपके साथ में कौन कौन है यहाँ पर आज? हमारे साथ में यहाँ के प्रधान जी हैं हमारे, और इमरान भाई साहब हैं, रामकिशोर लोधी जी हैं, अमित जी हैं, और हमारे रामलाल सैनी जी हैं, और हमारे जो यहाँ के मेम्बर हैं इरफान भाई, उनके वालिद साहब भी हैं, और सब लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा सड़क का प्रस्ताव भी है, तो उसको भी हमने अपनी कार्य योजना में रखा है, उसको भी बनवाया जाए।